दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि समाज से हटकर कुछ अलग करने का जज्बा पैदा करता है। इसे लेकर जिंदगी को कोसने के बजाय उसके साथ जीने का सलीका सीखना चाहिए। भगवान ने हर बच्चे को अलग काबिलियत से नवाजा है, बस जरूरत है उस काबिलियत को निखारने की। अगर समाज का सही साथ मिले तो मुकबधिर भी आसमान छू सकते हैं। ऐसा ही सीवान के महदेवा स्थित रॉयल डेफ पब्लिक स्कूल के मुकबधिर स्कूल के बच्चों का इशारों में कहना, भले ही आम लोगों के समझ से परे हो लेकिन अपने जैसे लोगों को प्रेरित जरूर करता है। 65वां अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस पर स्कूल में नेसू एक सामाजिक सोच की टीम ने बच्चों को पढ़ाई में रुकावट न आए इसको लेकर आर्थिक सहायता की। इसके साथ ही बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण भी किया। वहीं समाजसेवी नेसू ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लायंस क्लब के अरविंद पाठक, आईवी के मैनेजर सहित विद्यालय के संरक्षक और शिक्षक ने केक काट कर अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस मनाया। बताएं देखिए, अगर समाज का साथ और भरपूर प्रोत्साहन मिले तो मुकबधिर आसमान छू सकते हैं, उन बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं जो स्वजन की सोच और कल्पना से ऊपर होता है। जी देखिए, आज हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के महादेवा नई बस्ती में जो है कि विगत कई महीनों से मुकबधिर स्कूल चल रहा है, जिसकी सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और जिसको हमारे सिवान के लायंस क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है और कुछ यहाँ के जो समाज सेवी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना हमें मिली तो मैं यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं या जो यहाँ के प्राचार्य हैं इस स्कूल के, उनसे मैंने संपर्क किया और मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। यहाँ मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो मुकबधिर बच्चे हैं जो अपने मतलब मुँह से बोल नहीं पाते हैं, तो उनको एक तरह से हौसला बढ़ाना है कि आप जो है कि मतलब अपने मन के अंदर या समाज के अंदर भी लोग सोचते हैं कि ये बोल नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं सिवान में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम ना बोलते हुए भी बहुत कुछ करना जानते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किस तरह का आपके द्वारा सहयोग? जी मेरे द्वारा आज यहाँ पर जो है कि इस बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले इनके बीच में कलम और कॉपी का वितरण किया गया है ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और ये अपने पढ़ाई में और आगे जाएं और लगन से मन से पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ इस स्कूल को नियमित रूप से चलाने के लिए जो है कि यहाँ पे जो यहाँ के प्राचार्य हैं उनको हमने यहाँ पे स्कूल को और अच्छे से चलाने के लिए 5,000 रुपये का सहायता राशि सहयोग किया है ताकि ये स्कूल और अच्छे से चले। और भी जो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में मुकबधिर बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आके शिक्षक ग्रहण करें, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे सहयोग राशि और कॉपी कलम का वितरण किया है। परेशानी कि इन लोगों को एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, मैं खुद एक ट्रांसलेटर हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, इन लोगों को एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। हमें बस इन लोगों को इतना आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इतना कम से कम करिए कि साइन लैंग्वेज समझिए। साइन लैंग्वेज जानिएगा तो इन लोगों को आगे चल के एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़े। लायंस क्लब से पहली बार तो मेरा स्कूल क्योंकि मेरा विद्यालय लायंस क्लब से जब जुड़ा तो इस चीज़ को और मतलब हम लोग जब शुरुआत किए थे अपने विद्यालय का तो बहुत कम में जितना हम लोग सब हो पाए, जब लायंस क्लब से जुड़ा तो मेरा स्कूल यहाँ पर जो भी अपना चेंज हुआ और बहुत आगे चल के तरक्की किया और मुझे उम्मीद है कि लायंस क्लब के साथ और भी तरक्की होगा। बाकी निशु सर कुछ जी जी निशु सर आए वो सब बच्चों को ये कॉपी और पेन दिए वो चीज़ मुझे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में जो आर्थिक सहायता की हमारे विद्यालय को उसके अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। 65 वर्ष पूर्व आज के दिन दुनिया भर के जो बधिर हैं जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो डम हैं, उन लोगों को समाज में एक सम्मान दिलाने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए एक दिवस बनाया गया जिस दिन पूरी दुनिया में लोग इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम लोग बताते हैं कि जो मुकबधिर बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है, अगर उनको प्रॉपर वे में शिक्षा दिया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको साइन लैंग्वेज से प्रशिक्षण दिया जाए तो IAS IPS से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, खेल से लेकर के कला संस्कृति से लेकर के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें वो बच्चे अपना नाम अन्य बच्चों की तरह नहीं कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस हम लोग यहाँ रॉयल डेफ पब्लिक स्कूल में मना रहे हैं। रॉयल डेफ पब्लिक स्कूल की स्थापना आशीष जी द्वारा की गई थी, आज लायंस क्लब के थ्रू जुड़ करके ये विद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है और हमें बेहद खुशी है कि जो बच्चे हैं समाज के जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं,
उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आकर के वो कम से कम अपना जो रेगुलर एजुकेशन है वो ले सकते हैं, और साथ ही साइन लैंग्वेज जिसके माध्यम से उनके जीवन को आगे बढ़ना है वो उसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं। और हमारा प्रयास है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि निशु जी जैसे लोग समाज में हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ सड़कों पर काम करते हैं, वहीं पर ऐसे जो संस्थाएँ हैं जो समाज के मजबूर और समाज के वंचित लोगों के बीच काम करती है उनके साथ जुड़ करके भी ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और जो समाज सेवा का वास्तविक जो स्वरूप होता है वो इस तरह से होता है कि हम अकेले चाह के भी बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वी टुगेदर जैसे हम लोगों का लंच क्लब का भी मोटो है कि हम साथ साथ, तो जब 2, 3, 5, 10, 50, 100 लोग एक साथ मिल करके किसी काम को करते हैं तो और बेहतर ढंग से कर पाते हैं और उसका आउटपुट और बेहतर ढंग से दिखाई देता है। तो मैं आज यहाँ निशु जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर अपना समय दिया है आकर के, और बच्चों को सुचारू ढंग से शिक्षा मिले इसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया है, और साथ ही चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्था है तो इन्होंने कॉपी कलम, और आज अंतर्राष्ट्रीय अधीर दिवस है तो उसके अवसर पर उन्होंने यहाँ पर बच्चों को मिठाई भी खिलाया है, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ निशु जी का। क्या लगता है कि लायंस क्लब के जुड़ने से ये डेवलप करेगा जो भी बच्चों की समस्या? देखिए लायंस क्लब जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया के उन तमाम देशों में काम करता है जहाँ WHO काम करता है, तो लायंस क्लब के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास हैंड्स है, उनके पास दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई भी संस्था जो लायंस क्लब के साथ जुड़ के काम करती है, लायंस क्लब जिन कार्यों को करता है आप लोग देखते भी होंगे कि उसको बेहतर ढंग से उसका कार्यान्वयन हो पाता है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि लायंस क्लब के माध्यम से सिवान का ये वर्ल्ड एफ पब्लिक स्कूल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, और यहाँ के जो बच्चे यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, इन बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिले।